जगनमोहन रेड्डी साहब कल आंध्र प्रदेश इस साल बजट असेंबली में प्रोड्यूस करे, अब तक कोई चीफ मिनिस्टर इतने वेलफेयर प्रोग्राम्स को बजट में अमाउंट अलॉटमेंट नहीं दिए। 37,000 करोड़ रुपीस हर आदमी की बेनिफिट करने के जगनमोहन रेड्डी साहब बजट में रखे और 2,24,000 करोड़ रुपए बजट में रखे, ये एग्रीकल्चर में और वेलफेयर प्रोग्राम में हेल्थ एजुकेशन सोप को पहले गवर्नमेंट कैसा दिए, ये गवर्नमेंट कैसा दिए देखने, तो ये जगनमोहन रेड्डी गवर्नमेंट कितना कमिटमेंट है डेवलप करने के मालूम होता। वो बजट में एक ही पढ़ने के एजुकेशन को 25,000 करोड़ रुपए दिए, सब स्कूल्स अपग्रेडेशन करने के, अच्छा टीचिंग देने के और इंग्लिश मीडियम में उन्होंने इंग्लिश मीडियम देने के सबको 25,000 करोड़ रुपीस ये बजट में रखे, अब तक कोई गवर्नमेंट इतने नहीं दिए। किधर एजुकेशन अच्छा है तो उधर डेवलप करने के कोशिश होता, केरला में 100% एजुकेशन है उसके बाद केरला डेवलप हो गया, ऐसा करने के 100% एजुकेशन देने के एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए, साइमल्टेनियसली इरिगेशन का ऐसा दिए, एग्रीकल्चर का ऐसा दिए, माइनॉरिटी वेलफेयर को 2,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी वेलफेयर को दिए, पहले 1,100 करोड़ रुपए दिए, अभी 2,000 करोड़ रुपए दिए माइनॉरिटी डेवलप वेलफेयर की दिए, इतने अच्छा बजट अब तक कोई चीफ मिनिस्टर रह के, सब एक हाथ में वेलफेयर प्रोग्राम्स को एक हाथ में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को दोनों मिलके स्टेट सामने लेके जाने के वो अच्छा बजट रखे। जगनमोहन रेड्डी साहब को शुक्रिया अदा करते, ये कोरोना टाइम में इतने फाइनेंशियल तकलीफ में भी किधर भी वेलफेयर प्रोग्राम्स को कम नहीं करते, ये कोरोना में भी 2,25,000 करोड़ रुपीस बजट में रखे, रियल इट इज़ ग्रेट बजट, हैट्स ऑफ टू जगनमोहन रेड्डी एंड अवर बिलव्ड फाइनेंस मिनिस्टर अवर राजेंद्र नाथ रेड्डी आल्सो।